देखो ये नेचुरल रेफ्रिजरेटर लगा है यहाँ पे, खीरे को ठंडा किया जा रहा है। तो ये है ऋषिकेश में मेरा दूसरा दिन। अगर आपने ऋषिकेश में मेरा पहला दिन नहीं देखा तो आप उस व्लॉग को भी देख लो, ताकि इस सफर में हम साथ साथ चल सके। तो अब मैं ऑर्किड होस्टल से चला गया गो स्टॉप्स। ऑर्किड होस्टल की वाइब और सर्विस दोनों बढ़िया थी, लेकिन एक ट्रैवलर कहाँ एक जगह ठहरता है, तो मैं गया सीधा गो स्टॉप्स। यहाँ पे मुझे डॉम मिला 450 का। तो फिर क्या, ब्रेकफास्ट करके 500 रुपए में स्कूटी रेंट पे लेके मैं चल दिया ऋषिकेश के मोस्ट ओवररेटेड वाटरफॉल नीर वाटरफॉल की तरफ। ओवररेटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऋषिकेश में मैंने और भी काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल्स ढूंढे हैं जो नीर वाटरफॉल से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। जिनके बारे में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो आओ अब एक्सप्लोर करते हैं नीर वाटरफॉल को। लेकिन इससे पहले इस सफर की शुरुआत करें, मैं आपको मिलवाता हूं मेरी एक दोस्त से। नीर वाटरफॉल की तरफ मैं जा रहा हूं और लोग बोल रहे हैं कि सबसे ऊपर जो है वहां जाइएगा, वहां से व्यू आपको अच्छा मिलेगा। तो सबसे ऊपर जाने का जो खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है मुझे कि आप देख सकते हो कि ऋषिकेश में भी मुझे पसीने आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। खैर वाटरफॉल के अंदर जब जाऊँगा थोड़ा सा ठंडा महसूस करूँगा। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, क्रेडिट दे दूँ मैं शॉर्ट्स के, मुझे एक लड़की मिली, शी शैलिका एंड शी इज़ फ्रॉम देहरादून। तो हमने स्कूटी एक्चुअली शेयर कर ली और अभी शैलिका और मैं सारा दिन आज ऋषिकेश एक्सप्लोर करेंगे। ये लोकल है और फिर भी इनको गूगल मैप के रास्ते नहीं पता, द गर्ल्स। तो ये है नीर वाटरफॉल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट और बोल रहे हैं कि इससे भी ऊपर है, लेकिन वो 2 किलोमीटर है, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि जितना ऊपर जाऊँगा उतना थक जाऊँगा और उतना नीचे आना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बहुत मज़ा आने वाला है और यहाँ से व्यू बहुत मज़ेदार है। अच्छा लग रहा है वाटरफॉल से आने के बाद, काफ़ी रिफ्रेशिंग फील कर रहा हूँ मैं। और जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया वो ये है कि ऊपर से व्यू आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप व्यू को देखना चाहते हैं तो ऊपर आ जाइएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा थकना नहीं चाहते तो पानी वही नीचे आ रहा है, तो आप नीचे भी ट्राई कर सकते हैं, नीचे भी आपको उतना ही मज़ा आएगा। और पानी तो पानी है, वाटरफॉल तो वाटरफॉल है, नीचे भी अच्छा वाटरफॉल ही है और अच्छा फ्लो है नीचे भी। तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि अगली बार अगर मैं आऊँगा तो नीचे ही रहूँगा। ऊपर बस ये फ़ायदा कि आपको व्यू अच्छा देखने को मिल रहा है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहा। तो आप भी अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएँ तो नीचे ही रहना अगर आप ज़्यादा थकना नहीं चाहते। तो अब मैं जा रहा हूँ कौडल्या बीच की तरफ, मैंने सुना है काफ़ी अच्छी वाइब है वहाँ पे, गोवा जैसी वाइब है। तो आओ चलते हैं वहाँ और एक्सप्लोर करते हैं कौडल्या बीच। तो ये देखो ये नेचुरल रेफ्रिजरेटर लगा है यहाँ पे, खीरे को ठंडा किया जा रहा है। कौडल्या बीच काफ़ी दूर था और यहाँ का गोवा बीच बंद होने की वजह से मैं चल दिया लक्ष्मण झूला की तरफ। लक्ष्मण झूला भी काफ़ी देर से बंद है कंस्ट्रक्शन की वजह से, लेकिन लक्ष्मण झूला की मार्केट, यहाँ के घाट
देखने वाले हैं। तो मैं अपनी दोस्त शैलिका के कहने पर चला गया शिवानीज कैफे। यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करके खाना खा के हम चल दिए लक्ष्मण झूला की ओर। गलियों में घूमते घूमते हमें मिला एक बहुत ही प्यारा और छोटा सा घाट जहाँ पे कुछ फॉरेनर्स डांस और योगा कर रहे थे। बहती गंगा का ये घाट बहुत स्पिरिचुअल है और मेरे जैसा इंसान ऐसे कुदरत के नज़दीक आकर और खामोश हो जाता है। तो फिर क्या, अपनी दोस्त शैलिका को हॉस्टल किया ड्रॉप और मैं बन जा रहा फिर रात को निकल गया ऋषिकेश की गलियों में अकेला। पता नहीं इस जगह में ही शायद जादू है या फिर यहाँ के लोग ही आपको इतना अच्छे से गाइड कर देते हैं कि आपको ट्रिप प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जहाँ आपके कदम आपको ले जाएं, बस चल दो। मैं रात को पहुँचा त्रिवेणी घाट। यहाँ पे कुछ लोगों से मिला, इस जगह के बारे में जाना, इस घाट पे कुछ देर वक्त बिताकर आज के इस सफ़र की यादों को अपने साथ लेकर चुपचाप सो गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अगले दिन इस सफ़र में आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा जल्द ही इसी चैनल पे। लेकिन आप अपना फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये ब्लॉग, और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर करना।